तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू मिरर रिफ्लेक्शन फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजी का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो में बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप सभी को अब करना है कि आप सभी को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड यहाँ पे गाइस जो मॉडल का पोज देख सकते हो, अगर आप ऐसा पोज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे मिरर भाई ने क्यों पकड़ रखा है मेरे को नहीं है मालूम, ठीक है। बाकी आप चाहो तो जैसे मर्जी भी क्लिक करा दो, बिना मिरर के भी क्लिक करवा सकते हो। बस आप लोगों को यहाँ पे जो है इसको क्रॉप कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। फोटो को अपनी जो इस टाइप से आपको क्रॉप कर लेना है, यानी कि जितना एरिया आपको रखना है फोटोज में, ठीक है। तो यहाँ का इतना एरिया रखना है मेरे फोटो में, जितना मैं मतलब कि क्रॉप कर लेता हूँ। इससे ये हुआ कि हमारा यार जो मतलब कि यहाँ पे जो रीच करने का जो टाइमिंग है ना वो बच जाएगा हमारा। यहाँ से हम डायरेक्ट जो यहाँ पे इसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे अगर हम इरेज वगैरह करते थे यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता और वो भी परफेक्शन से नहीं हो पाता, मतलब कि बहुत टाइम लग जाता। तो इसलिए हमने यहाँ से क्रॉप करने वाला जो तरीका है मेरे को बेस्ट लगा, तो आप लोग भी इसी तरीके से करना। अदरवाइज अगर आप इरेज करके करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन दे रहा है ना इसका। तो एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड यहाँ पे हम इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करके हम यहाँ पे इस साइड में ऐसे रख देंगे इसको, यहाँ पे एकदम अच्छे से करना है, ठीक है, एकदम ध्यान से, कहीं भी कुछ एरिया रह ना जाए। ओके, सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो आपको अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट और बनाना है, जो आपने रिफ्लेक्शन जहाँ पे दिया ना अभी वो दूसरे वाला, उसका आपको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका एक डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से डुप्लीकेट, एंड यहाँ पे हम सेम वैसे साइज में रख देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम चलेंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में जाने के बाद इसका अमाउंट जीरो करके आपको डन करना है। देन उसके बाद इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको साइज इंक्रीज करना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम करके, फिर आप लोगों को जो ऐसे इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। पहले साइज इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें डार्क दिखाना है, ठीक है, ये वाला जो हमारा दूसरे वाला जो है इसको हमें डार्क दिखाना है, ठीक है। ऐसे हेयर्स के पास भी कर लेते हैं एंड जो है इसकी ओपेसिटी हम हल्की सी कम कर लेते हैं, परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है इसमें, अब इसको कर देना है आपको डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद डन कर देना है। देन आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद ऐड करना है आपको इसको, एंड इसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको फुल साइज करना है। रिजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद हार्डनेस फुल करना है, साइज को छोटा कर लेना है। एंड उसके बाद आपको अपने जो आई है आपकी जो भी दोनों उनको आपको ऐसे मतलब पूरा ब्लैक कर देना है, ठीक है। जितना भी ये ब्लैक और व्हाइट वाला एरिया है इसको पूरा ब्लैक कर देना है यहाँ पे दोनों आई के ऊपर करना है, ठीक है आपको। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे करना है। ओके गाइस, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको दोबारा से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, या फिर आपको ऐसे मतलब कि फिल कर देना है डुप्लीकेट करके आपको वापस से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद ओपेसिटी हार्डनेस यहाँ पे कम कर लेना आप सभी को, एंड साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद आपको अपनी आई के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट करना है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब कि यहाँ पर थोड़ी सी ओपेसिटी और कम है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ से अंडो करते हैं एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं एंड हार्डनेस को भी ऐसे ऐसे पेंट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे इसको डार्क दिखाना है, ठीक है, मतलब हॉरर टाइप का दिखाना है ना। तो उसके बाद हम चाहो तो इसकी अगर ज़्यादा हो जाए तो ओपेसिटी कम भी कर लेना। देन उसको डन कर देना आप सभी को। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दोबारा से ऐड फोटो में चले जाना है, ठीक है, दोबारा से ऐड फोटो में चले जाना है। एंड दोबारा से ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे जाना है बैकग्राउंड में, वापस से व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लेना है, यानी कि आई के ऊपर आपको जो है रिफ्लेक्शन भी दिखाना है ना व्हाइट कलर का, मतलब कि आपने दिख रहा है हॉरर टाइप का दिखना चाहिए। उसके लिए आपको सेम वही चीज़ करनी है, इरेजर टूल में जाकर आपको जो है आपको ओपेसिटी हार्डनेस फुल कर देनी है और साइज को थोड़ा छोटा रखना है। उसके बाद हल्का हल्का यहाँ पे ना मतलब ऐसे ब्लैक वो मतलब व्हाइट व्हाइट कलर के तो डॉट सा बना देना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ऐसा, ठीक है, जो यानी कि ऐसा लगना चाहिए कि जो मतलब कि अगर कोई मिरर में देखेगा तो हल्की हल्की जो वो आँखें जो उसकी चमक रही है इस टाइप से दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको दूसरे साइड में भी ऐसे ही करना है। अभी तो अगर इसकी ओपेसिटी जो है ना ज़्यादा है इसलिए अभी तो ये मतलब थोड़ा सा अलग ही लग रहा होगा, बट हम इसकी जब ओपेसिटी कम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी हम इस वाले आई के ऊपर करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आप सभी को।
ठीक है अभी हो गया। अब गाइस देखिए यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी जो है कुछ इतनी रखेंगे 40 तक। अब देखो गाइस है ना काफ़ी डरावनी सी लग रही है यहाँ पे। तो अभी क्या करते हैं अभी इसको हम डन करते हैं, देन उसके बाद अभी क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे जो है मतलब कि अभी यहाँ पे हमें टैक्स का तो कोई काम नहीं आ रहा, टैक्स पे क्यों चला गया। तो अभी हम चलते हैं ऐड फोटो में एंड एक बैकग्राउंड और ऐड करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा हमें शेडो बनानी है क्योंकि, तो यहाँ से हम ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेंगे एंड उसके बाद हम सेम चीज़ वही करेंगे यहाँ पे मतलब कि साइज़ इंक्रीज़ करेंगे ठीक है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेके हम इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज करेंगे एंड ऐसे पेंट करेंगे ठीक है बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे इसकी हम ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर देंगे इस तरीके से ठीक है। यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अब जो यहाँ पे गाइस क्या करेंगे अब जो हम अपनी फोटो को सेव कर लेंगे एंड इसको लाइटरूम ऐप में रीटच करके अब जो है पूरी रियलिस्टिक बना देंगे ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसको ओपन करते हैं डायरेक्ट लाइट रूम ऐप में। अब यहाँ पे हमने ऐड कर रखी फोटो को, अब क्या करेंगे हम लाइट में जाएंगे यहाँ पे, पहले हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बढ़ाएंगे, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज़ करेंगे एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज़ करेंगे एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे एंड जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे ठीक है। फिर चलेंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका पहले वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे पहले, फिर सैचुरेशन कम करेंगे और उसके बाद येलो कलर लेंगे इसका हम यू माइनस करेंगे एंड ग्रीन कलर लेंगे इसका भी यू माइनस कर देंगे हम एंड सैचुरेशन को प्लस कर देंगे ठीक है। फिर डार्क ब्लू लेंगे इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देंगे ठीक है एंड ल्यूमिनस को भी, फिर डन कर देंगे एंड यहाँ से चलेंगे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे क्लियरिटी को इंक्रीज़ करेंगे एंड जो विग्नेट है हल्का सा डाल देंगे फोटो में है ना, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे फीदर को इंक्रीज़ कर देंगे एंड उसको नीचे वाले टूल में जाएंगे, शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देंगे और बाकी परफेक्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है गाइस यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।